हम लोग मेरे सरप्राइज के लिए आ चुके हैं। जहाँ आने से पहले ये बंदा मेरा आँख बंद करा दिया, पता नहीं क्यों। सरप्राइज मतलब अभी तो खुल जाना चाहिए ना, तो अभी आँख बंद कराने का क्या मतलब हुआ? अभी तो शुरू हुआ, अभी हम लोग है, हम लोग यहाँ पे आए हैं, उसके पार्किंग लॉट में खड़े हैं। अभी हम लोग चाहते हैं इसको दिखाते हैं कि क्या सरप्राइज है। बंदी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो चलिए चलते हैं हम लोग ऊपर और आपको दिखाते हैं कि क्या। पार्किंग लॉट से बाहर आ चुके हैं, बंदी अभी भी कन्फ्यूज में है कि अभी हम है कहाँ। फिर भी ऑब्वियसली मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। होटल लॉबी कोई तो होटल है ये समझ आया जस्ट अभी अभी। और अभी अभी बारिश भी शुरू हुई मस्त एकदम। अच्छा, हम लोग को हो गया था, बारिश शुरू हुई है। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं इसको कि कैसा रहेगा। हम लोग होटल के अंदर आ चुके हैं, इसको पता चल गया थोड़ा सा कि आज हम लोग होटल में आए हुए हैं। तो यहाँ पे क्रिसमस ट्री है, अभी क्रिसमस का सेलिब्रेशन के लिए गिफ्ट भी रखे हुए हैं। देख पायल, तेरे लिए सांता स्पेशल। देख देख, वो सांता नहीं, उस रूम में दिख रहा सांता जैसा है ना। सस्पेंस अभी तक सस्पेंस ही है, कुछ खुला नहीं अभी तक सस्पेंस। लेकिन हाँ ये समझ आया कि ये होटल में लेके आया मेरे को, और बहुत सुंदर होटल है ये, अंदर से बहुत ही सुंदर है। वहाँ से आप व्यू देखिए जरा, इधर आइए। मेरे को शायद समझ आ गया ये कौन सा होटल है, द डेन। यप, क्योंकि मेरा ऑफिस पास में ही है। वहाँ का व्यू देखिए कितना मस्त है। अभी देखते हैं और क्या क्या प्लानिंग कर रखा है ये मेरे लिए, जो मेरे को अभी तक कुछ पता भी नहीं है। बहुत छुपर उस समय है ये, जितना दिखता नहीं है ना उससे ज़्यादा छुपर उस समय है ये। ये है हमारा रूम 1106। ये लीजिए कार्ड और ज़रा देखिए रूम कैसा लगता है आपको मैडम। जरूर, कार्ड इधर रखना है अंदर जरूर। और ये हम अंदर चले रूम के अंदर, ये देखिए हमारे रूम के अंदर क्या है। ये देखिए हमारे रूम के अंदर छोटू सा डेकोरेशन है बाथटब में। देखिए ये हमारे रूम का व्यू देखिए, खाली आओ चीजें भी काफी मस्त रखी हुई है, मेरे को तो बहुत पसंद आए। यहाँ लॉकर है और वेट मशीन भी है, मतलब अगर कोई ज्यादा खा पी ले और उसको ऐसा लगे यार मेरा वेट कितना बढ़ गया पता भी नहीं चल रहा है, चेक भी नहीं कर पाते, तो वेट कर सकते हैं। ठीक है, वो साफ करने के लिए होगा शायद से। नहीं हाँ। वैसे तो कुछ नहीं है, जूते वूते साफ करने का होगा। तो कैसा लगा मेरा ये सरप्राइज नंबर वन? नंबर वन मतलब और भी सरप्राइजेस हैं। हाँ, अभी रात तो बाकी है, डिनर ये डिनर थोड़ी ना, ये तो स्टे हुआ हमारा। हाँ, मतलब सरप्राइज में पहला सरप्राइज अगर ये पहला है जो भी है, मेरे को बहुत पसंद आया, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है ये। अभी बताइए और बाकी का जानने के लिए रेडी है होटल के बारे में? हाँ, ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आगे और क्या होने वाला है।
मेरे को तो बड़ी भी उम्मीद नहीं थी यार ऐसे, इस बार तो मेरे को कुछ दिमाग में ये इतने हिंट दे चुका था फिर भी कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा क्या जी करने क्या वाला है। पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ, वरना मेरे को ज्यादातर इसके सरप्राइजेस पता चल जाते हैं पहले ही कि हाँ ये ऐसा कुछ करने वाला होगा, बट पहली बार मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या करने वाला है। बहुत सुंदर है बहुत। हाँ व्यू, व्यू मैं ये व्यू रोज देखती हूँ, व्यू का कोई बात नहीं है क्योंकि मेरा ऑफिस वहीं का ही है। नहीं तेरा ऑफिस उस साइड नहीं है, तेरा ऑफिस नहीं, मेरा ऑफिस जहाँ पे भी है मेरे को वो बस वाला एरिया दिखाई देता है, डेली दिखाई देता है, जब मैं लंच पे बैठती हूँ तब दिखाई देता है, तो वो बस वाला एरिया तो जो भी है तो व्यू में रोज देखती हूँ नो डाउट, लेकिन व्यू छोड़ के बाकी भी चीजें क्योंकि तेरा जो ऑफिस है ना वो यहाँ पे है, इस साइड है जो भी है, ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ना पायल, इस बिल्डिंग में कहीं तो काम करती है। तो अभी आगे क्या करने का प्लान है अभी तेरा? एकदम अनएक्सपेक्टेड आगे, पता नहीं आपने बोला था कि कुछ एक्टिविटीज वगैरह होंगी तो चलो लेके मेरे को, देखते हैं क्या क्या है। सो गाइस अभी हम लोग ने आपको पूरा रूम दिखा दिया है, कुछ कुछ चीजें हमने भी अभी देखी, जैसे कि यहाँ पे सोप तो ऑब्वियस है सबको हर होटल में मिलता है, बट यहाँ पे इतनी सारी क्यूट क्यूट चीजें है ना, मतलब एक तो कामा आयुर्वेदा अच्छी ब्रांड का ठीक है, बॉडी मॉइस्चराइजर है, हेयर कंडीशनर है, मॉइस्चराइजर तो जनरली कहीं मैंने अभी तक नहीं देखा, फिर हेयर क्लींजर और बॉडी क्लींजर है, तो मॉइस्चराइजर इसमें से मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा, और कंडीशनर भी जल्दी से नहीं होता है तो बहुत सही। बस ये देखिए ये छोटू सा इसमें हम लोगों ने अभी तक खोला नहीं था, अभी खोल के देखा तो इसमें भी क्या क्या आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत प्यारा मतलब मेरे को तो बहुत पसंद आ रहा है। ये देखिए किसी को अगर चोट लग जाए तो बैंडेड भी है, फिर मेकअप रिमूविंग के लिए कॉटन पैड है, ईयरबड्स भी है। ये मेरे को नहीं समझ में आया क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सुई धागा सेफ्टी पिन और बटन सारी एसेंशियल चीजें हैं, तो बहुत बहुत मस्त है, मतलब सारी एसेंशियल चीजें हैं यहाँ पे। तो बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं कोई एक्टिविटीज के लिए, इसने बोला है मेरे को कि कुछ एक्टिविटीज कराएगा, अभी तक मेरे को कोई आइडिया नहीं उस चीज का, तो अभी हम लोग जस्ट जा रहे हैं तो आप लोग को भी दिखाते हैं और मेरे को भी पता चले कि वो चीज है क्या। सो गाइस ये स्विमिंग पूल है यहाँ का, ये इतना सुंदर है, आज अगर ठंड नहीं होती ना तो सही में मजा आ जाता, बहुत इतना सुंदर है ये, आप खाली देखिए मतलब लग भी नहीं रहा है ये स्विमिंग पूल है, मतलब मेरे को देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मैं इसलिए तो बोल रहा था कल धूप आ जा धूप आ जा, धूप आया ही नहीं। लेकिन हाँ लेकिन एक चीज है, ठंडी हवा चल रही है तो मजा भी बहुत आ रहा है, कहीं भी इधर उधर राउंड लगाने में एकदम हल्की हल्की हवा चल रही है, बहुत रोमांटिक फील आ रहा है, आज का मौसम सही में बहुत रोमांटिक वेदर है, और एकदम सही डेट में हमारी एनिवर्सरी आई है, मजा आ गया। अभी हम लोग आ चुके हैं एक्टिविटी जोन में, ठीक है यहाँ पे सारी इंडोर गेम्स है मोस्ट प्रोबेबली, बंदी को पूल खेलना था बहुत टाइम से और उसको खेलना आता नहीं है वो बात अलग है, इसने सिखाया अभी मैं एक बॉल मार के दिखाती हूं। अच्छा चलिए देखते हैं कि ये बॉल मारेगी, ये वाला बॉल मारूंगी मैं, बॉल अंदर नहीं गया थोड़ा सा तो आया था, बॉल पे तो लगा और उसी बॉल पे लगा जिसमें मैंने बोला था, तो थोड़ा सा आया। तो अभी और क्या क्या चीजें है दिखाते हैं, यहाँ पे एक्सबॉक्स या तो पीएस रखा हुआ है, हमें अभी समझ नहीं आ रहा है क्या है, एक्सबॉक्स है ओके, उसके कंट्रोलर्स नहीं है वो बात अलग है, हमें पूछना पड़ेगा। चलो
ये बचपन की यादें ताजा हो गई, वो वीडियो गेम है। हाँ। तो खुद ही खेल रहा है कि मैं खेल रही हूँ? तू खेल रही है। खेल रही हूँ। मर गई। ये भी अच्छा, ये भी ट्राई करने वाला। बाकी अभी हम लोग जैसे जैसे खेलते हैं वैसे वैसे आप लोग को दिखाते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज है, क्योंकि अभी काफी जगह काफी लोग बैठे हैं, तो हम लोग थोड़ा प्राइवेसी के लिए ऐसे सबके सामने जाके तो नहीं दिखा सकते। तो हम लोग जैसे जैसे जो जो खेलते हैं, जो जो एक्टिविटीज करते हैं, उस हिसाब से आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत माथा खराब किया, पर हम लोग से गेम खेलना आया नहीं, क्योंकि हमने आज तक कभी PS5 और PS गेम स्टार्ट करना ही नहीं है, समझ नहीं है। बहुत माथा खराब कर लिया। आगे हम अपने देसी कैरम खेलने। अभी सेट कर रही है मैडम, क्या करना है? एक के ऊपर एक करना। फ्लावर तो PS5 वगैरह हम लोग को आया नहीं, तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने लेवल पे। पहले ये खेलते हैं, फिर जाके और एक ट्रायल मारेंगे हो सके तो। और यहाँ पे एक प्राइवेट मूवी थिएटर भी है, आज हम लोग को मिला नहीं, पर कल हम लोग आपको जरूर दिखाएंगे हम लोग को मिल गया तो। वो भी इसके पैकेज में इंक्लूडेड है। तो मैंने बाहर से देखा, बहुत मस्त है थिएटर, बट अभी काफ़ी लोग हैं अंदर, मतलब वो प्राइवेट है क्योंकि, तो फिर एक फैमिली वाइज या ऐसा होता है। तो आज हम लोग को नहीं मिला, कल दिखाते हैं आप लोग को वो भी। तो अभी हम लोग आ गए कैरम खेलने। इसके बाद अगर हम लोग को चेस खाली मिलेगा तो चेस खेलने जाएंगे, फिर हम लोग PS5 में और एक बार ट्रायल मारेंगे, फिर हम लोग पूल भी खेलेंगे। वैसे तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया कैरम खेले, तो लेट्स सी कैसा लगता है मेरा शॉट, पहला शॉट इसके पास बहुत सारी बची थी, लेकिन ये सारी गोटिया हार गया, ये हारा है गंदा वाला, क्योंकि मैं जीती हूँ। लास्ट में क्वीन की जगह पे उसका जो एक वो स्ट्राइकर रहता है ना नॉर्मल, वो डाल दिया गलती से क्वीन की जगह पे पहले। ताइवान। तो अभी हम लोग आ गए पूल खेलने के लिए, तो मैं देखती हूँ, खेलती हूँ पहली बार पूल कैसा जाता है, इसमें कौन जीतता है कौन हारता है। मोबाइल वाले पूल में तो हमेशा यही जीतता है, अभी रियल वाले में देखते हैं। मैडम छड़ी लेके आ गई, ऐसा लग रहा है। ऐसे कौन मारता है? इसको सही में नहीं आता क्यों ना? देखा लगा वही वाले का निशान मार दी थी। मैं मारूं दूसरा भी? नहीं, बोल रहा था नहीं खेलना आता है। अभी देखो निकलना बोल। वाह क्या मस्त मारा है, डायरेक्ट फाउल, डायरेक्ट। फाइनली हमारा PS4-5 चालू हो गया, पता नहीं कैसे, मैं कुछ इससे कर रहा था, गलती से कुछ हो गया तो बैक 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 हो गया, तो मजा आ गया, हो गया। और पूल में भी मैं जीती, खेले हम लोग थोड़ी देर ही, लेकिन उसमें भी पहला मेरा गया तो मैं जीती, क्योंकि उसके बाद ये हार मान के आ गया। तो अभी PS4 खेलेंगे, इसमें डुअल प्लेयर नहीं है तो सिंगल सिंगल करके खेलेंगे, लेकिन खेलते हैं। हारने में जो मजा है उसमें तो क्या है? बोलते हैं हारने वाले, बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं। बाय द वे मैंने तेरे को जीत लिया है, तो तुम जीतिया मैं जीते की बात है। बहाना बहाना, कल तो मेरे को ये बोला जा रहा था गेम में तो हम लोग दोनों क्या है, ओपोनेंट ही है, और अभी बहाना। ओहो तो चलिए अभी हम लोग PS5 खेलते हैं। ये देखो बंदी गेम खेल रही है, गाड़ी चल रही है, तेरी मेरी गाड़ी पता नहीं कैसी गाड़ी, आप तो अच्छी चला रही हो। स्पीड बढ़ाने में क्या करते हैं पता नहीं, हमको कौन सा गेम खेलना आता है, कुछ तो होगा, जल्दी बताओ। बटन होगा ना कुछ, दबा ना। आगे स्पीड कैसे बढ़ेगा? गाड़ी की यही नहीं रही, चल रही है स्पीड। हां हां स्पीड बढ़ा बढ़ा बढ़ा। नहीं ये तो रुक गया, ब्रेक हो गया। मिल गया। ये स्पीड तो ये ब्रेक का।
अरे वाह, ये होती है फर्स्ट एनिवर्सरी। ऐसी कैसी लग रही है फर्स्ट एनिवर्सरी? ठोक गई, ठोक दी क्या? गाड़ी ठोक दी। कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है खेलने में? मजा आ रहा है। हाँ। वैसे भी देखो रिमोट कंट्रोलर चाहिए ना। हाँ। खेलने के लिए घर पे। हाँ, इसलिए तो सीखने गया था। अभी प्रैक्टिस कंप्यूटर पे ही चाहिए, PS5 नहीं चाहिए, लेकिन बहुत मजा आता है। प्रैक्टिस कर ले। ये प्रैक्टिस कर रही है बंदी गाड़ी चलाने की। पहला आज तक गेम खत्म होगा ये तेरा? हो जाएगा। मैं लूँ क्या? आप भी पहली बारी खेलोगे, फिर देखते हैं आपको क्या हाल होता है। लोगों का एक एक लैप खत्म हो गया है और ये बंदी अभी तक पहले लैप में ही है। दोनों कंट्रोलर्स चल रहे हैं दोनों साइड का। उस साइड वाला नहीं चल रहा था, हम लोग पहले दूसरे में बैठे थे, बट अभी दोनों चल रहे हैं तो हम लोग ये गेम भी खेल रहे हैं। अभी हम लोगों ने काफी मैं मर गई। सो गाइस, अभी हम लोग का ये हम लोग को एक केक मिला है, पेस्ट्री काइंड ऑफ। तो ये हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, मतलब आज का डिनर कितना स्पेशल हो सकता है। ये हम लोग को होटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री बोला और इस पर हैंड राइटिंग दिखी, इतना सुंदर से लिखा हुआ है हैप्पी एनिवर्सरी। मतलब ओहो, दिल खुश हो गया ये देख के मेरा। वैसे तो मैंने कल रात को इसको ऐसा ही कुछ केक खिलाया था, उसका नाम था डेथ बाय चॉकलेट। तो वो भी इसको बहुत पसंद आया था, इसको मीठा बहुत पसंद है। तो अभी ये केक आया है, अभी हम लोग केक काटने जा रहे हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, बहुत। हाँ, काट लो बेशरमो की तरह अकेले अकेले। कल रात को भी अकेले ही काट लिए थे, ये नहीं कि साथ में काटो, एनिवर्सरी केक है। मतलब क्या ही करूँ यार मैं इसका, पर क्या कर सकती हूँ, है अभी इतना प्यारा की। और अभी का व्यू कितना मस्त लग रहा है, आप खाली व्यू देखिए। ये मेरे को बोल रहा था सॉरी मैं देखो व्यू नहीं दिखा पाया, तू रोज वही व्यू देखती है। बट मैं इसको बोली कि शाम को और रात का व्यू थोड़ी देखती हूँ मैं, शाम को और रात को तो अलग ही व्यू होगा ना। अब खाली व्यू देखिए, इतना सुंदर लग रहा है ना, मतलब ऑसम। चलिए हम लोग केक कटिंग करते हैं। मेरे को तो लग रहा है ये ऑलरेडी खाना स्टार्ट कर चुका है, मुँह हिलाया जा रहा है। देखिए 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 बेशम को देखिए, मतलब हद है। Happy anniversary to us. Happy anniversary to us. मैं पहले to you बोल दिया। वो तो होता रहता है गड़बड़। Happy anniversary. Awesome. आज का दिन बहुत मस्त आ रहा है। और अभी भी ये मेरे को बोल रहा है कि अभी भी मेरे लिए कुछ सरप्राइज बाकी है। तो लेट्स सी वो क्या है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी हमारी मैडम साहिबा डिनर डेट के लिए रेडी हो रही है, तो एक्साइटेड बहुत। मेरे को अभी तक नहीं पता है कि डिनर डेट में है क्या, कहाँ है, कैसा है और उसमें क्या चीजें इंक्लूडेड है, मेरे को अभी तक कुछ नहीं पता है। क्या बात करिए, तू वो जगह तो एक्सप्लोर कर दी सरप्राइज, मैं तेरे को पूछा तो मैं गैस की है, वो है कि नहीं मेरे को श्योर थोड़ी है। अरे वो ही होगा ना, तुम गैस की मतलब सही होता है हमेशा, तेरा हर बार गैस सही निकलता है। हमेशा ऐसा बोलते हो और हमेशा फिर कहीं और लेके जाते हो, कुछ और नया कराते हो, देते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो भी है। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ, आप लोग बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। अगर बुरी लग रही हूँ तो बुरी मत बताइएगा, अच्छी लग रही हूँ तो कमेंट में बताइएगा। नहीं वैसे लग तो मैं अच्छी रही हूँ, बुरी नहीं लग रही। तो मेरी बेबी है ये इतनी सुंदर। अभी हम लोग फाइनली रेडी हो चुके हैं डिनर डेट के लिए। मेरी तरफ से लंच डेट तो बहुत ही मस्त गया था, आज का दिन मस्त एकदम मस्त जा रहा है। बंदी बहुत खुश है, बंदी को देख के मैं भी बहुत खुश हूँ, उसको मेरा सरप्राइज पसंद आ रहे हैं और मुझे भी उसका सरप्राइज बहुत पसंद आया था। बंदी ने अभी मेरे लिए और एक सरप्राइज आ रखा हुआ है, जो थोड़ा गड़बड़ हो गया था सुबह। एक्चुअली उसने कुछ तो ऑर्डर किया था,
तो सुबह आने वाला था पर वो सुबह नहीं आया और हम लोग निकल गए। हाँ, और सुबह का ऑर्डर अभी शाम को आ रहा है तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, पर कोई बात नहीं, वो भी कलेक्ट कर लिया है, हमने नहीं कलेक्ट किया है, सिक्योरिटी के पास से कलेक्ट करवा लिया हमने। तो बस देखते हैं कब तक आता है हमारे हाथ में वो सरप्राइज क्या है। और हम लोग कल एक दूसरे को जो गिफ्ट देना अभी बाकी है, इसने मेरे को गिफ्ट दे दिया, मैं तो इसको बोल रही हूँ कुछ देने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतना सब कुछ सरप्राइजेस अरेंजमेंट है तो वो काफी है मेरे लिए और कोई नहीं चाहिए मेरे को। बट हाँ, अभी तक मेरी तरफ से उतना कुछ खास नहीं हुआ तो अभी मेरी तरफ से इसको गिफ्ट मिलना बाकी है। तो आज गए थे, क्रोमा खुला नहीं, मतलब क्रोमा था ही नहीं वहाँ पे। हाँ। तो कल हम लोग क्रोमा जाते हैं, देखते हैं इसको क्या पसंद आता है, कुछ दिलाते हैं नहीं दिलाते हैं, आगे देखते हैं। तो चलिए चलते हैं डिनर डेट की सरप्राइज ओपन करने के लिए। इसके लिए सॉरी, थोड़ा हमारे प्लान में गड़बड़ हो गया है। मैंने बोला था ना, मैंने सही जगह गेस किया। हमने यहाँ पे सोचा था, यहाँ से पूरा सिटी लाइन दिख रहा है हम लोग को अभी, पर अनलकीली हम लोग को यहाँ पे बारिश का सामना करना पड़ रहा है। तो कैसा लग रहा है ये? कोई नहीं, बारिश बंद होने के बाद आएंगे, लेकिन खाएंगे यहीं पे, अंदर नहीं खाएंगे अब तो। मैंने बोला था ना, मैंने गलत गैस किया, मैंने नीचे कहीं किया था और ये मेरे को झूठ बोल रहा था कि तूने तो सारी जगह देख ली है अब तो गैस कर ले। तो मैंने एक जगह गैस की थी जितनी मैंने देखी थी उसमें से, पर मैंने बोला था ये झूठ बोल रहा होगा। मैंने इसको ये भी बोला था कि आप ऐसा करते हो, सही सही बोल के लास्ट में अलग से सरप्राइज है, तो वही हुआ। ये मेरे को बोला तो सही गेस कर रही है, और फिर आए हम लोग एकदम रूफ टॉप पे चीटर कॉप। तो ठंड लग रही है अभी? अच्छी बात है, ठंड लग रही है। ये पता है 21st फ्लोर है। लेकिन बारिश नहीं होती ना यार, तो क्या व्यू था, क्या मतलब डेकोरेशन था, डेकोरेशन भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को तो इतना मस्त। क्यों बारिश हुई यार? इसीलिए आप प्रे कर रहे थे ना कि आज बारिश ना हो। अरे यार, हो जाएगी, बंद हो जाएगी, होप उम्मीद पे दुनिया का आया हमें। चला रहे वो, बंदी के चेहरे पर एक्सप्रेशन से समझ आ रहा है बंदी बहुत खुश है ये सब देख के। ऑब्वियसली कौन सी लड़की ये देख के खुश नहीं होगी, बस कैंडल चल रहा है, मजा आ रहा है ना। बहुत सुंदर है, ऐसा कैंडल लाइट मैंने अभी तक नहीं किया। मतलब कैंडल लाइट हमने बहुत बार किया है, गोवा में भी किया था बीच पे, पर ऐसा नहीं। इट्स वास्ट डिफरेंट और आई लव। तो हमारा ये है स्टार्टर, बंदी खा रही है स्टार्टर। बताइए स्टार्टर कैसा लग रहा है आपको? मेरे को नाम किसी का समझ नहीं आया, बट है सारा बहुत टेस्टी, मस्त एकदम। सो गाइस, हम लोग का स्टार्टर खत्म हो गया, हम लोगों ने आपको दिखाया स्टार्टर में क्या क्या है। उसके बाद ये दूसरा स्टार्टर है, एक कोल्ड, पहले वाला कोल्ड मुझे करके था, ये वाला हॉट मुझे करके, तो ये दूसरा स्टार्टर है। इसमें हॉट वाले में हम लोग को पहले वेजिटेबल कबाब आया था, वो हम लोग खा गए क्योंकि हम लोग बातें करते करते इतना रोमांटिक माहौल है तो बीच बीच में भूल जाते हैं ना ब्लॉग का। फिर अभी याद आया हम लोग को, दो पीस पिज्ज़ा का यहाँ लेने के बाद याद आया, मैं पहले ही बता दूँ। तो कबाब भी बहुत टेस्टी था, वो हम लोग खा गए, इसलिए खाली डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बहुत टेस्टी था। और पिज़्ज़ा भी देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, थिन क्रस्ट है, इसमें टॉपिंग कुछ अलग है, तो देख के तो बहुत टेस्टी लग रहा है। तो ये हम लोग का हॉट वाला भी पार्ट हो जा रहा है, इसके बाद हम लोग का आएगा मेन कोर्स, तो आप लोग को मेन कोर्स भी दिखाते हैं क्या क्या है। तो गाइस, अभी हमारा मेन कोर्स आ चुका है, ये मशरूम पास्ता टाइप का है, फिर ये पम्पकिन लसांगे है, और ये राइस है, और हमारा और एक चीज़ आने वाला है जो आते ही हम लोग आपको बताने वाले हैं कि क्या है। और हमारा ऑलरेडी पेट भर चुका है, मेरे से मत करो, तो ये हमारा भी मेन कोर्स आ चुका है,
ठीक है, ये कुछ तो अजीबो गरीब नाम है इसका, याद ही नहीं रहा, उसने एक बार बोला तो समझ नहीं आया, हमारे सर से चला गया ऊपर। दिखने में ये मोमो टाइप का है। हाँ मोमो टाइप का है, पर इसके अंदर स्टफिंग जो है वो पोटैटो स्मैश करके कुछ तो बनाया हुआ है, और ऊपर टोमेटो की कुछ ग्रेवी। हाँ टोमेटो ग्रेवी है और थोड़ा सा पता नहीं। आज हम लोग पहली बार सब इतना हाईफाई आइटम खा रहे हैं। ये मशरूम पास्ता है, ठीक है, ये स्पेगेटी लिख रही है, ये स्पेगेटी है शायद से, मशरूम स्पेगेटी है, ठीक है, और ये है पम्पकिन लजांगे, और ये है वाइट राइस। ये सारी चीज़ें ना एकदम हेल्दी आइटम्स है, ठीक है। ये हमने 5-star होटल में आके पता चल रहा है कि इतना हेल्दी आइटम्स भी इतना टेस्टी हो सकता है। अब समझ आया हीरो हीरोइन लोग कैसे, मतलब ऐसे फिट रहते हैं।